नमस्कार, जेएनआई न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं दिवाकर रावत आपके साथ। बेमौसम बारिश के चलते अन्नदाताओं को हुआ भारी नुकसान, सरकार से किसानों ने की मुआवजे की मांग। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में मंगलवार की सुबह हुई भारी बारिश के चलते आलू की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई। इस समय जिले के अधिकतर क्षेत्रों में धान की कटाई हो रही थी। कटे हुए धान में पानी भर जाने से धान की फसल भी काफी प्रभावित हुई। बेमौसम हुई बारिश से हुए नुकसान के कारण किसानों में छाई मायूसी। आइए देखते हैं कौशाम्बी से ब्यूरो चीफ संतोष कुमार यादव की एक खास रिपोर्ट। क्या नुकसान हुआ इस असमय बारिश से? भैया, धान की फसल बर्बाद हो गई, आलू की फसल बर्बाद हो गई। हम एक बीघे में कम से कम 30,000 रुपये अंदर किसान पूरी तरीके डूब गया। सरकार से मांग करते हैं कि इसमें किसानों को मदद। अच्छा, आलू की फसल बुआई हो गई थी आपके? हाँ, 60% हो गई। क्या नाम है आपका? अगर कहाँ से हैं? धान से।